वहीं अलवर दुष्कर्म मामले को लेकर सरकार और पुलिस की ओर से अब नए तथ्य बताने के बाद प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने इस मामले की अब सीबीआई से जांच की मांग उठाई। पूनिया ने कहा कि सरकार का ये यू टर्न पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव में पार्टी की किरकिरी ना हो उससे बचने के लिए उठाया गया है। पूनिया ने कहा कि हमें अब सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है और इसीलिए इस मामले को अब सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा 17 और 18 जनवरी को उपखंड स्तर पर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने क्या ऐसा अनर्थ कर दिया जो उस मंत्रालय का मोह नहीं छोड़ रहे हैं? और ये सबने देखा किस तरीके से उस पूरी पुलिस मशीनरी को उन्होंने मिसयूज किया। कदाचित वो गृह मंत्री नहीं होते तो शायद नहीं कर पाते। और इसलिए पहली बात कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं जो गृह मंत्रालय चला सके। एक फुल टाइमर गृह मंत्री, 24 घंटे का गृह मंत्री, एक जागरूक गृह मंत्री, ये हर सरकार की जरूरत होता है। और उस पर भी जिस तरीके से इस सारी घटनाक्रम से ये घटना हुई, इसने राजस्थान को शर्मसार किया और उस घटना के बाद कल का यू टर्न ये चौंकाने वाला था। और इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार अब उस पीड़िता को न्याय नहीं दे सकती, उसको न्याय नहीं मिल सकता। और इसलिए मेरी मांग है कि यदि मुख्यमंत्री जी